हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त एंड जबरदस्त होंगे। जैसे यहाँ 14 जून का जो है एसएससी एमटीएस का जो है एग्जाम छूट चुका है और कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण अभी तक वीडियो बन नहीं पाया, तो अब आपको नियमित वीडियो अब मिलेगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो देखिए कुछ कैंडिडेट निकल रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या रहा एग्जाम का लेवल, इजी टू मॉडरेट रहा या मॉडरेट टू हार्ड रहा। तो देखिए कुछ कैंडिडेट निकल रहे हैं, तो आइए। और चलिए ठीक है, अभी फिलहाल कोई हाँ भैया चलिए ठीक है, अभी फिलहाल कोई बता नहीं पा रहा है। बढ़िया बढ़िया गया, देखिए जो भी आ रहा गया मस्त गया। ये बताइए मैथ में क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, किस मैथ में किस चरण पास समय पास साधारण भी आज इस मैथ तो क्वालिफाइंग सेक्शन था, तो क्या मैथ इजी थी भी अभी हार्ड? मैथ रीजनिंग सबसे आसान आया था उस समय का समय। सबसे टफ पोर्शन कौन सा लगा? हाँ सबसे टॉप पर्सन इंग्लिश थोड़ा था, इंग्लिश में वो कैब कितने नंबर की रही? वो कैब 4 नंबर का था। हाँ सुनोनी मिंटोनी माई थी, याद है? यस सर। बताएंगे नहीं क्योंकि पाबंद। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये बताइए जीएस वगैरह में क्वेश्चन वगैरह है तो कहाँ से ज्यादा पूछे गए? जीएस में वो पुरस्कार से ज्यादा पूछा गया था, स्टैटिक जी के ज्यादा आया था। हाँ नृत्य वगैरह से आया था? हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद दिया। हाँ जी ब्रदर, हाँ बहुत अच्छा गया। कितने किए जीएस में? 44 हुआ है टोटल। हाँ और रीजनिंग मतलब जीए और उसमें रीजनिंग में और मैथ में मिला के 33। अच्छा ये बताइए टफ पोर्शन कौन सा लगा? इंग्लिश में थोड़ा टफ था और जीएस में क्लोज टेस्ट आया था या पैसेज आया? नहीं कंपेयर मतलब कंपेयर। हाँ अच्छा उसके भैया ये बताइए ईडीएम वगैरह आई थी? हाँ आई थी। आपने अटेम्प्ट? हमने 83 किए जी। अच्छा ये बताइए जीएस वगैरह में कोई क्वेश्चन? हाँ है पुरस्कार वगैरह से। भगवान को बदमाश कितने साल का हुआ था? राम भगवान को बदमाश कितने साल का हुआ? राम भगवान का जो है वनवास कितने साल के लिए? दीपावली के बाद कब वापस? सूरी पूछा ग्रैंड ट्रंक रोड का कहाँ से कहाँ तक बनवाया था शेरशाह सूरी? ग्रैंड ट्रंक रोड। और कोई आर्टिकल वगैरह तो नहीं? अनुच्छेद 343 पूछा गया था। 343 आर्टिकल 343 यहाँ पे पूछा गया था हिंदी अनुच्छेद में क्या मतलब है? मौलिक कर्तव्य वही वाला पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य संबंधित आर्टिकल पूछा गया था। से नीति निर्देशक पूछा था और अनुच्छेद 51 का में कौन सा पड़ेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कार्यकाल वगैरह तो नहीं, ये कोई स्टैटिक जीके में कोई नृत्य वगैरह? हाँ नृत्य 2017 का एक नृत्य आया था पद्मश्री पुरस्कार, एक पुरस्कार 2017 का पूछा गया था। अच्छा युद्ध वगैरह मतलब क्या कह रहे हैं? युद्ध से नहीं आता ना, खेल से आया था। टोक्यो में कितने पदक जीते थी भारत महिला ने? एक क्वेश्चन आया था 2022 में महिला एशियाई क्रिकेट में किसने जीता था? एक एक क्वेश्चन भैया जीएस का पूरा बता रहे हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा। अच्छा लिख के लाया हूँ, वैसे आप देख जूम कर दे तो। क्या नाम है भैया? विशाल यादव नाम है। यादव है भैया, पूरा पर्चे में लिख लिया है, क्वेश्चन लमसम पूरे लिख दिया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? और ऐसे बहुत क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। Mn का रासायनिक प्रतीक क्या है? गया होगा Mn का मैग्नीज पूरा नाम है। ठीक है क्वेश्चन आया था अहोम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? लोकसभा का चुनाव अधिकतम कितनी सीटों से लड़ सकते हैं? लोकसभा चुनाव का अधिकतम सीट कितने सीटों से लड़ सकते हैं? अच्छा बात करें तो पिछले हिसाब से पैटर्न में चेंजमेंट आया इस बार, तो ये बताइए टफ लगा फिर या फिर इजी लगा? कुछ टफ क्वेश्चन थे, कुछ इंग्लिश ज्यादा टफ थी। हाँ इंग्लिश तो टफ थी भाई। वन वर्ड वगैरह आया था कि नहीं? हाँ वन वर्ड आया था। वुमेन वुमेन ये पूछा गया था। A1 क्लासेस चलिए भैया ठीक है। अटेंडेंस वगैरह कितनी आई? अटेंडेंस थोड़ी कम थी। चलिए ठीक है। हाँ जी हो गया पंडित साई सा कहना था, सारी फुल थी सीटें। अच्छा इंग्लिश वगैरह में कोई क्वेश्चन याद हो बता दीजिए। कंपैरिजन पूछा गया था किससे रिलेटेड था? गणित से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? इंग्लिश में क्वेश्चन थे नंबर, इंग्लिश में था ना? इंग्लिश में हाँ इंग्लिश में कंपटीशन किससे रिलेटेड था बताएंगे? याद है? चलिए ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी चलिए ठीक है, ये तो शर्मा आ रहा है भाई। हो गया कैसा गया? बढ़िया। कितना गया? ठीक है और भी कैंडिडेट है। हाँ भैया
ठीक गया, बढ़िया गया। देखिए जो भी निकल रहा है यही बता रहा, पेपर अच्छा गया। हाँ भैया साइंस का पेपर सही, बढ़िया बढ़िया गया। चलिए तो डर रहे हैं भैया, कैसा गया? ठीक है, चलिए ठीक है। आप कोई बता नहीं ना तारा, अच्छा गया, मत फेल हो गया, बकचोदी मत फेल हो। चलिए ठीक है, और भी दिखे, चलिए ठीक है। फिलहाल अभी कोई बता नहीं रहा है। और हाँ भाई सर, बढ़िया 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 आ गया। देखिए जो भी आ रहा है यही बता रहा, पेपर अच्छा गया, पेपर का लेवल इज टू मॉडरेट मैम। चलिए मैम ने तो कुछ बताया नहीं फिलहाल। हाँ सर, हाँ हो गया, बहुत अच्छा गया। अटेम्प्ट किया, 71 अटेम्प्ट किया। साइंस में क्वेश्चन कहीं से पूछा गया? साइंस में नॉर्मल थे, एक दो ही क्वेश्चन थे। फिजिक्स था या केमिस्ट्री? साइंस क्वेश्चन है यार, एक दो क्वेश्चन पूछे थे या मैंने पूछे थे फार्मूला वगैरह पूछा गया। हाँ नृत्य पूछा गया था, संतूर वादक वगैरह इनसे। संतूर से नहीं, एक सहनाई से नहीं, एक इससे सहनाई से पूछे थे, लेकिन मतलब उसने दिए थे कि किससे। करंट का कितना वेटेज रहा? करंट से करीब 7 से 8 क्वेश्चन। 7 से 8 क्वेश्चन करंट से पूछा। स्टैटिक का कितना वेटेज रहा? स्टैटिक भी यही इतना ही था, और जो भी स्टैटिक में पूछा था साइंस में भी स्टैटिक ही था। जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट आए उन्होंने बताया इंग्लिश काफी टफ थी, तो क्या लगा? इंग्लिश टफ थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसके अच्छे थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ थे। कंपटीशन जो आया था किससे रिलेटेड था? जीएस और इंग्लिश। इंग्लिश से रिलेटेड मतलब बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए आपने कितना अटेम्प्ट किया? हमारा 78 है। अच्छा मैथ और क्या कहते हैं रीजनिंग क्वालिफाई था, तो उसमें अर्थमेटिक कितना था, वो एडवांस कितना? एडवांस तो ज्यादा नहीं था, एडवांस एक दो क्वेश्चन तीन। वृत्त से थे? वृत्त से थे और आयतन से थे। अच्छा परसेंटेज वगैरह से क्वेश्चन आए हुए थे? हाँ आए थे। आराम से हाँ परसेंटेज से जो क्वेश्चन थे। उसके बाद वो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह से? सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन थे। लमसम कह सकते हैं पेपर का लेवल जो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड? दोनों थे। अच्छा ये बताइए पिछली बार पैटर्न से इस बार का पैटर्न चेंजमेंट कर दिया है, इंग्लिश और मैथ क्वालिफाइंग कर दिया, पहले ऐसा नहीं था। हाँ। तो क्या पैटर्न चेंज किया उससे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल ये देखना है कि स्कोर कितना अच्छा जाता है। चलिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, चलना चाहिए। लमसम सारे कैंडिडेट निकल चुके हैं और बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे थे जो बिल्कुल मुंह घुमा लिए हैं, बताए ही नहीं बिल्कुल। और भी हैं कुछ धीरे धीरे के, क्योंकि आई डीजे Z1 है, 2 है, तो नए बच्चे निकल रहे हैं। हाँ सर हो गया गया? अरे ये बता ही नहीं रहे, ये तो बता ही नहीं रहे, एकदम बिल्कुल कटे कटे से ऐसे हो गए हैं। और चलिए ठीक है, इस शिफ्ट में इतना ही रखेंगे। पेपर का लेवल ठीक था, GS काफ़ी आसान देखने को मिली, MN का जो है रासायनिक सूत्र ये सब पूछे गए थे। तो इस शिफ्ट में इतना रखें, अगले शिफ्ट में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।